हाय, मैं हूँ तेजल और आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली है तो ठंडाई तो बनती है, इसीलिए आज हम बनाएंगे ठंडाई बिल्कुल स्क्रैच से और कैसे आसानी से बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे ठंडाई होली पे ही क्यों पी जाती है ये आपको पता है? नहीं तो चलिए वो भी देखते हैं। पर इससे पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल इंडिया फूड नेटवर्क एंड नोटिफिकेशन बेल पे भी हिट कीजिए ताकि जब भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपी अपलोड हो आपको तुरंत पता चले। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक पैन, इसमें हमें दूध गर्म करना है। तो जब तक ये दूध में एक बॉईल ना आ जाए हम तब तक इसे गर्म करेंगे। जब तक हमारा ये जो दूध है वो बॉईल हो रहा है हम ठंडाई की पेस्ट की तैयारी करते हैं, जिसके लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स भिगो के रखे थे 5 से 6 घंटों के लिए। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है भिगोए हुए बादाम, इसका पानी मैंने फिलहाल निकाल दिया है। ये डाल रही हूँ मैं इस मिक्सर के जार में। और ये है मेलन सीड्स, जिसे हम मगज के दाने भी कहते हैं। अगर आपके पास ये नहीं हो तो जो ककड़ी के बीज आते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हो। फिर जाएगा ये भिगोया हुआ पिस्ता। अगर आपको 5 से 6 घंटे नहीं मिले ये भिगोने के लिए तो आप वार्म वाटर में 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दो। फिर मैंने ली है ये सूखी गुलाब की पत्तियाँ, इसे भी भिगोया था, ये डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये गुलाब की पत्तियाँ नहीं है तो इसके बदले में आप यूज़ कर सकते हो रोज़ वाटर, और अगर वो भी नहीं है तो इसका रिप्लेसमेंट हो सकता है गुलखंड, जो रोज़ से ही बनता है। पर याद रखिए, अगर आप इसमें गुलखंड डाल रहे हो तो शुगर की जो क्वांटिटी आगे है वो एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि गुलखंड में जो शुगर की मात्रा होती है वो काफ़ी होती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले इंग्रेडिएंट के पास, जो है इलायची। फिर हम डालेंगे ये साबुत मिरी। अगर आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स 5 से 6 घंटे भिगोने का समय ना मिले तो इसे 2 से 3 घंटों के लिए भी भिगो सकते हो, अगर आप इसे गर्म पानी में भिगा देंगे। और अब जाता है ये भिगोया हुआ सैफरिन। तो आप केसर का सिरप भी यूज़ कर सकते हो जिसमें शुगर यूज़ किया जाता है और कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ता होता है। केसर मेनली इसमें यूज़ होता है कलर के लिए एंड ऑफकोर्स फ्लेवर के लिए, बट आपको अगर ये सिर्फ कलर के लिए यूज़ करना है तो थोड़ी सी हल्दी भी डाल दीजिए तो इसमें अच्छा कलर आ जाएगा। तो फिर हम डालेंगे ये भिगोया हुआ सौंफ। और अब डालते हैं हमारा आखिरी इंग्रेडिएंट, जो है खसखस। अब इन सारी चीज़ों का हमें पेस्ट बनाना है, तो जिसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। याद रखिए, इसका जो पेस्ट है वो बिल्कुल फाइन होना चाहिए, वरना ठंडाई आप जब पियोगे तो ये सारी जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपके मुंह में आएंगे, तो वैसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसे मैं बंद करती हूँ और अब करते हैं इसे ब्लेंड। तो देखिए, अब ये जो पेस्ट है बिल्कुल रेडी है, इसे हम दूध में डालेंगे। तो मैं आपको क्विकली इसका मेजरमेंट या प्रोपोर्शन बताती हूँ। अगर 250 ml यानी 1 कप दूध आप यूज़ करोगे तो इसमें आप 2 बड़े चम्मच यानी 2 टेबलस्पून ठंडाई का पेस्ट डाल सकते हो। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी के साथ साथ मैं इसमें शक्कर भी डाल रही हूँ। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। तो अभी इसमें एक बॉईल आने तक इस ठंडाई को हम पकाएंगे। वैसे तो आप रूम टेम्परेचर के दूध में भी इस ठंडाई मिक्सचर को डाल सकते हैं, बट मेरे हिसाब से अगर बॉईल करते हुए ये पेस्ट डालोगे तो ये पेस्ट का जो निखार इस दूध में और ज़्यादा आएगा। तो चलिए इसे बॉईल होने देते हैं। वैसे आपको पता है कि ठंडाई होली पे ही क्यों पी जाती है? क्योंकि होली मार्क्स द बिगनिंग्स ऑफ समर, और जैसे ही गर्मी शुरू होती है और जिस दिन आप होली खेलते हो धूप में, तो तब आपको एक ऐसी ड्रिंक की ज़रूरत होती है जो हमारे शरीर को ठंडक दे। और इसी में वैसे ही इंग्रेडिएंट्स है। अगर आप देखो, खसखस डाला हमने, इसमें मेलन सीड्स डाले हैं, फिर इसमें हमने डाला है रोज पेटल्स। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को ठंडक देते हैं, और बादाम जैसी पौष्टिक चीज़ें तो है ही।
इसीलिए हम होली पे ये ठंडाई पीते हैं। मैं तो कहूंगी होली पे ही क्यों, पूरे समर्स में हमें ये ड्रिंक पीनी चाहिए कि इससे पौष्टिक और ठंडक देने वाली जो ड्रिंक है शायद ही कोई है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, ये जो पेस्ट है उसे बना के रेफ्रिजरेट कर सकते हो फ्रिज में 10 से 15 दिन या फ्रीजर में ये एक महीने तक रह सकती है। तो एज एंड व्हेन आपको लगेगी आप इसे दूध में डाल के इसे यूज कर सकते हो। तो देखिए अब हमारी ये जो ठंडाई है वो रेडी हो चुकी है, तो मैं अभी इसे ग्लास ऑफ कर देती हूँ। तो इसे अब हमें ठंडा करना है जिसके लिए हम इसे रेफ्रिजरेट करेंगे। तो देखिए अब ये ठंडाई ठंडी हो चुकी है, इसको हम ग्लासेस में पोर करते हैं। इन ग्लासेस में हमने थोड़ा सा आइस भी डाला हुआ था। अब इसे हम गार्निश करते हैं। मैं डाल रही हूँ थोड़े से बादाम, पिस्ता, थोड़े से ये सूखे पत्तियाँ गुलाब के और हल्का सा केसर। अगर आपको इस ठंडाई की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारा चैनल इंडिया फूड नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी हिट कीजिए। हैप्पी होली।